नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। कर्नाटक में जीतेंगे हम, जनता भ्रष्टाचार महंगाई और बेरोजगार से है पीड़ित, राहुल गांधी का कहना। मुलायम सिंह यादव की हालत हुई नाजुक, रामगोपाल मेदांता में मौजूद, थोड़ी देर में अखिलेश पहुंचेंगे। सोनाली फोगाट मामले में आज हिसार पहुंचेगी सीबीआई टीम, परिवार के लोगों से करेगी बातचीत। गुजरात में नेवी ने पकड़ी पाकिस्तानी बोट, 350 करोड़ की हेरोइन के साथ 6 हुए गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में बीती रात बस में लगी आग, पुलिस ने कई लोगों के मारे जाने की जताई थी आशंका। नासिक बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख रुपए का मुआवजा। ईरान में एंटी हिजाब प्रदर्शन के समर्थन में बेल्जियम के विदेश मंत्री और 2 सदस्यों ने कटवाए बाल। महाराष्ट्र में लगातार भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई हिस्सों में हुआ जलभराव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम रहेंगे 2 दिन गुजरात दौरे पर। शिवसेना पर अधिकार को लेकर आज चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेगा उद्धव गुट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, पीएम स्मृति चिन्ह की होगी नीलामी 12 अक्टूबर तक।